नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 12,160 नए मामलों ने हड़कंप मचा दिया। राज्य में 24 घंटों के भीतर 11 मौतें दर्ज की गई। इनमें से अकेले मुंबई में ही 8,082 नए कोविड केस सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई। साथ ही राज्य में 68 नए ओमिक्रोन संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिनमें 40 मरीज मुंबई के ही निकले। मुंबई में कोरोना वायरस के 24 घंटों के भीतर आए 8,082 मामले रविवार के आंकड़ों की तुलना में 19 अधिक है। इसी के साथ शहर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 37,274 तक पहुंच गई है। हालांकि पिछले शहर में संक्रमण के कारण 2 मौतें दर्ज की गई, जबकि रविवार को किसी की भी जान नहीं गई थी। मुंबई 9% केस बिना लक्षण वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को शहर में 8,063 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं शनिवार को माया नगरी में 6,347 संक्रमण दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमण की बात करें तो सोमवार को 68 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से 34 की रिपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और 34 मरीजों की रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन मामलों की संख्या मुंबई में 40, पुणे में 14, नागपुर में 4, पुणे ग्रामीण और पनवेल में 3 दर्ज की गई है। इसके अलावा कोल्हापुर, नवी मुंबई, रायगढ़ और सतारा में 1-1 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। अब तक राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 578 तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ पिछले एक सप्ताह में दिल्ली और मुंबई में मामलों की संख्या और परीक्षण सकारात्मकता दर एक समान रूप से बढ़ी है। दोनों शहरों के अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की दर भी बढ़ी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में भर्ती हुए 420 मरीजों में से 211 में हल्के लक्षण है और 7 वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।